अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो जैसा कि मैं आ चुका हूँ सेल्फ सर्विस मशीन पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप यहाँ से अपना बैंक स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं पेपर के शक्ल में, और आईबीएन नंबर भी निकाल सकते हैं, यानी अकाउंट का डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक जरूर करें, और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जाता है। और अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और एटीएम कार्ड खुद यहाँ पे आकर प्रिंट कर सकते हैं। मैंने सभी तरीका बता दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में दिखाता हूँ किस तरह से अपना बैंक स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, ये सेल्फ सर्विस है, और यहाँ पे अपना कार्ड डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड है, यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे डालेंगे कार्ड तो ये अंदर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहां से इंग्लिश कर लेते हैं, उसके बाद यहां पे अपना पिन नंबर डालना है, एटीएम कार्ड का जो भी पिन नंबर है तो यहां से डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहां पे ये ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके पास इस तरह से ऑप्शन आता है तो यहां पे देख सकते हैं प्रिंट कैश बुक, यहां पे देख सकते हैं यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट एंड सर्टिफिकेट लेटर, यहाँ पे प्रिंट अलाजी मदर कार्ड है, यानी दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट कस्टमर इन्फो है, फिंगर अपना अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर है, यहाँ पे आईबान है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईबान है, तो यहाँ पे पहले क्लिक कर दे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने दिन का निकालना चाहते हैं, एक महीना, तीन महीना या छः महीना, या ये चीज यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक महीने तीन महीने का लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन पेज में निकलेगा और ये 28 रियाल चार्ज मारेगा। तो अगर निकालना चाहते हैं तो कंफर्म पे क्लिक कर दे, और कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कैंसिल कर दे। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको दिखा दिया हूँ, उसके बाद कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे माई आईबान नंबर यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये आपका अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे प्रिंट प्रिंट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे यस पे क्लिक कर दे। और यहाँ पे अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ बैलेंस इंक्वायरी है यहाँ पे क्लिक कर दे। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैलेंस है, और ये सारा चीज यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक कर दे, उसके बाद आपका काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दे, और यहाँ से अपना कार्ड रिसीव कर ले।